एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग के पास और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. राइट फाइव पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी. इस तरह का पेयर निकालना है सच दैट, जो कि इस प्रकार का होगा ए डिवाइड बी इक्वल टू माइनस थ्री. इसको हम जब डिवाइड करेंगे ए को बी से डिवाइड करने पर हमको माइनस थ्री आंसर उसका आना चाहिए. सच वन सच पेयर इज 6 माइनस 2. एक पेयर जो है यहाँ पर बनाकर दिखा दिया गया है बिकॉज इस तरह से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर ये आएगा. तो ये बनाना काफ़ी आसान है, वैसे तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन इजीली कैसे बना सकते हैं इसको जो समझ में भी आ जाए और आसानी से बना भी लें. तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ये चीज़ें दिया हुआ है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है ए डिवाइड बी और इक्वल टू ए आना चाहिए और एक पेयर यहाँ पर बना के दिया हुआ है. तो सिंपली क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा. तो सिंपली क्या करना है, इसको जो है आप इसका टेबल पढ़ते जाइए. फर्स्ट पेयर में क्या है, 6 यहाँ दिया हुआ है, 6 2 12 कर देते हैं, 6 2 12 और यहाँ पे 2 2 4 ये है. 4 से काटेंगे तो क्या होगा, ये इसका इक्विवेलेंट है उसी को बढ़ाते जाइए. इसको काटेंगे तो माइनस थ्री आएगा, एक पेयर हो गया. फिर इसको जो है 6 2 12 6 3 18 कर दीजिए और यहाँ पे 2 2 4 4 2 और 2 2 4 और द्वितीय 6 कर देते हैं. फिर इसी को यहाँ पे कितना हो गया, 12 6 18 6 24 24 हो गया और 4 6 8 8 -8 हो गया. सब में इस तरह से नीचे में माइनस लगाते जाइए, कितना हुआ 3 हुआ और यहाँ पे 6 24 36 30 हो गया और यहाँ पे हो गया 5 10 हो गया -10 और फिर यहाँ पे कितना हो गया 36 36 और यहाँ पे हो गया 10 -12 यहाँ पे हो जाएगा. तो बस सिंपली जो है क्या टेबल का इसका जो ऊपर में 6 का टेबल पढ़ते जाइए और नीचे में 2 का टेबल पढ़ते जाइए, बन गया सिंपली. तो इस तरह से आसानी से ट्रिक्स लगा के सॉल्व कर सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा. इसके अलावा इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है, तो सिंपली ये बन रहा है तो फिर हम दूसरा क्यों दिमाग लगाएं. चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं.